वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई है, बहुत हाई। और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं, और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें। और वहाँ सुबह ही सुबह, शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुजरते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से, और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। एक पाकिस्तानी चाचा हैं, भारत घूमकर गए हैं और पाकिस्तान के अंदर एक पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भारत के जैसे स्कूल हैं, जैसा एजुकेशन सिस्टम है, वैसा पाकिस्तान का ना है, ना हो सकता है कभी हो पाए, क्योंकि उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। वीडियो है समीर के व्लॉग का। हमने जो है अच्छा सर, जैसे आप एक स्कूल टीचर हैं तो वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या लगा, या वहाँ क्या चीज़ें आपने नोटिस की? वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई, बहुत हाई। और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं, और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। उसके अंदर जो है जब बच्चे जाते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, बच्चे जो है वहाँ से फर इंग्लिश बोलते हुए निकलते हैं। मैंने खुद छोटे नर्सरी के जी वाले बच्चों को जो रोड पर देखा, आपस में जो इंग्लिश में बात करते जा रहे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इतना माशाल्लाह इनका जो स्कोप है इंग्लिश के बारे में। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते से वहाँ सबसे पहले बच्चों को जो है इंग्लिश की तालीम दी जाती है, साथ साथ जो है वो हिंदी सिखाते हैं, यार है उनकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। इसी तरह उर्दू को भी वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं स्कूलों में। फिर वो आगे चल के जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं, उन सब में जो है माशाल्लाह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू तीनों लाजमी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का, वहाँ के जो बेंगलोर नाम है, बिल्कुल। तो आईटी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान का तो कंपैरिजन तो वैसे भी क्या कहते हैं बनता है, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे हमसे आईटी में। आईटी में तो मैंने एक नाम मैंने सुना था अखबार में, मैंने पढ़ा था उसका वाक्य, कि वहाँ एक शकुंतला नामी खातून जो थी उसने जो है कंप्यूटर से भी पहले जो है हिसाब किताब करके हैरत में डाल दिया लोगों को, कि उसका माइंड इतना तेज़ था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर है। तो ये एजुकेशन उनकी आईटी बहुत बहुत आगे, और माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं, एक तरह से इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल माना जा रहा है 35। पाकिस्तान जो बहुत पीछे है उनके मुकाबले में, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि अपने आप को जो है आगे बढ़ाए। मुझे वहाँ की जो है दो चीज़ें तो बहुत पसंद आई। एक तो वहाँ जो है कानून की अमलदारी है, आप सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। मैं खुद कितनी मरतबा वहाँ पर जब गया हूँ तो मैं देखता था कि पुलिस वाला जो है सख्ती से इशारा करता है कि हिलना नहीं जब तक सिग्नल नहीं होगा, और वाकई लोग जो ओबे करते हैं उस कानून को ओबे करते हैं। रेलवे के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर है। मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका मुशाहदा किया। हम लोग जो है बम्बई में गए तो वहाँ इतना जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का, और वो पुल इतने ज़्यादा हैं और ब्रिज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आपको जो है हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आपको मिलेगी। किसी भी आदमी जाना है, लोकल ट्रेन जो है हर 5 मिनट के बाद आती है, और लोग फटाफट सवार होते हैं, उसके बाद मंजिल के रवाना दामा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो है ये रेलवे सिस्टम जो हमसे बहुत आगे। थोड़ा वक्त दो तीन घंटे गुजारे होंगे स्टेशन पर, उसके बाद जो है फिर ट्रेन आ गई हमारी जाने के लिए इंडिया, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता। जी जी, समझौता चल रही। जी चल रही। आप कब गए थे, कितना टाइम पहले? बस ये 7-8 साल पहले गए। 7-8 साल पहले, हाँ। तो फिर जो है सब बैठ गए उसे, फिर हम जो है अटारी गए।
अटारी वाघा से होते हुए अटारी के अटारी पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ से आप जो है अब दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ उतर गए, वहाँ सुबह रात को यहाँ से चली थी चार साढ़े चार बजे ट्रेन चली शाम में लाहौर से, तो वहाँ हम सुबह ही सुबह जो है फजर के बाद वहाँ पहुँच गए। सुबह का नाश्ता हमने जाके अटारी पर किया, अटारी में जो है वो हाँ नाश्ता याद है, नाश्ता मुझे उस वक्त जो है जैसे हम यहाँ हलवा पूरी कहते हैं तो वहाँ जो है भटूरा एक जो चीज़ थी सुबह ही सुबह हलवे के साथ और वो दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पत्तों के अंदर जो है ना वो दे रहे थे तरकारी। अच्छा। हाँ, और हलवा भी पत्ते के अंदर रख के दे रहे थे और साथ में भटूरा दे रहे थे। वो भटूरा हमने खाया, हमें बढ़िया जो है टेस्टी लगा। उसके बाद फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो गया तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें, और वहाँ सुबह ही सुबह वो लेने के लिए आ गए, वो जो लोकल गाड़ी होती हैं जो टैक्सियाँ वगैरह वो हमें लेके चले गए। तो हम जो है दिल्ली के इलाके में कसाबपुरा एक इलाका है जिनके हम जो है हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया था। शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते, बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुजरते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, लोग कहते थे आई आई है। जहाँ हम जाते थे बस वो हम पे जान निछावर करता था, खाना पीना हर जगह इधर आ जाइए इधर आ जाइए। तो हम लोग बोलते थे भाई इतनी मोहब्बत हमें मिल रही है इस शहर के अंदर, और यहाँ के लोग जो है अपने आबा व अजदाद के किस्से हमें सुनाते थे कि हमारा दिल्ली किस ज़माने में कैसा था और अब कैसा। तो हम जो ख्याल करते थे जामा मस्जिद के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल हमारे अपने कराची की तरह था। पाकिस्तानियों से भी मिला, जो हमारे मुसलमान भाई थे उनसे भी मिला, और साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे भी प्यार मिला, और सिख बिरादरी ने भी हमें बहुत वेलकम कहा। और हर तरफ से जहाँ से हम गुजरते थे लोग खड़े होकर जो है इस हाथ मिलाने के लिए आ जाते थे, इस्तकबाल करते थे हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़ी अपनाइयत है उन लोगों में। हाँ, जो प्रोपगंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से। और हमारा दिल खुश होता था, हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे। मुंबई में जो एक तो हमने जो वहाँ पे एक डिश खाई थी जो यहाँ नहीं हमें खाई कभी, वो जो है कुबलाई रान थी। अच्छा। वो जेके रेस्टोरेंट था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पर वो हमने ये सब लोगों ने जो खाई। अच्छा। उसके बाद फिर जो चौपाटी गए वहाँ पर जो है वहाँ भेलपूरी खाई और बहुत इंजॉय किया। चाचा पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा रहे होंगे, भारत के अंदर शायद 10 दिन 15 दिन रहे हों, लेकिन उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा है। जब आप पाकिस्तान के पब्लिक इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें साफ साफ पता चल जाता है कि वहाँ का एजुकेशन का लेवल क्या है। उनका बात करने का तरीका और फैक्ट एक फिगर को किनारे रखकर भावनाओं में बहकर बात करने का तरीका जो होता है उससे साफ साफ इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे रेलवे की यहाँ पर बात की गई है तो भारतीय जो रेलवे है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है आज के समय में पाकिस्तान के कंपैरिजन में। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया का सबसे अच्छा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की ट्रेन देखते हैं यहाँ का स्टेशन देखते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि कुछ रेलवे के डिब्बे अपग्रेड करने के लिए चाइना से मंगवाए गए और इनके ऑफिसर जो थे कि वहाँ पर गए चेक करके वो लेके आए और यहाँ पर जो पटरी बिछाई थी उनके ऊपर वो दौड़ ही नहीं सकते थे। तो सोचने वाली बात है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा और चाइना के इशारों पर कितना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर काम होता है, इसी वजह से पाकिस्तान का बंटाधार हुआ पड़ा है। तीसरी बात यहाँ पर चाचा ने बोल दी है कि जो भी भारत के खिलाफ प्रोपगंडा किया जाता है, भारत के बारे में उल्टा सीधा बताया जाता है, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जाता है, सब झूठ है। मैं वहां पर रहकर आया हूं, देखकर वहां पर सब लोग प्यार से रहते हैं और कोई पाकिस्तान से अगर लीगल वे से जाता है तो उससे लोग सही से बात करते हैं, सही से मिलते हैं और प्यार से रहते हैं। तो ये सब कुछ देख के गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कभी भी बाज आने वाले नहीं है, मीडिया कभी बाज आने वाला नहीं है। वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म होता है और कश्मीर के अंदर तो खासकर जुर्म होता है। इसी को बेस बनाकर हमेशा भारत के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को इसी तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, इसी वजह से इतनी नफरत बढ़ी हुई है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।